हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। 40 to 45 मिनट के अंदर हम लोग न्यूज़पेपर को एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज है सभी को देखते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आज मंडे है और मंडे को हम लोग 2 दिन का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं एज यूजुअल। तो आज भी दोस्तों हम लोग यही करने वाले हैं। गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से रेगुलर पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 जुलाई है दोस्तों आज, और सबसे पहले दोस्तों जो कि मैंने आपको 18 तारीख को जो क्वेश्चन दिए थे 5, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आज का अपना इंपॉर्टेंट सेशन क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चट्टोग्राम पोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये सवाल था, मैंने आपसे पूछा था ये कहाँ पर है। तो भाई आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था कमेंट के अंदर, बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब था। इसके अलावा INCOIS के बारे में पूछा था, जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये कहां पर, ये हैदराबाद में। बी आप सी आपका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है गाइस, इसके अलावा अगला सवाल था अपना कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियाज वॉलेंटरली नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो कि दोस्तों भेजा है। तो नीति आयोग यानी कि सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी नौकरियों में प्लाज्मा दाताओं को वरीयता देगा। तो प्लाज्मा डोनर्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आसाम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे भाई डोनेट तो कर दिया क्या है, होपफुली पहले तो आपको कोरोना हुआ ही नहीं, और अगर हो जाए तो भाई डोनेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलेंगे आसाम के अंदर। ओके, और ह्यूमैनिटी के पूरे में से पूरे चले गए। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, अगर आप अनअकैडमी पे दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्लस कोर्स लेना चाहते हो तो रेफरल कोड आप BHUNESH बुनेस्टन यूज करिएगा। आपको 10% ऑफ और सभी सब्जेक्ट की, सारी क्लासेस, सारे टीचर की आपको मिल जाएगी, चाहे इंडिया में कोई से भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। साथ में मेरा फाउंडेशन बैच दोस्तों स्टार्ट हो चुका है साइंस का, 17 तारीख से हुआ है, पहली क्लास हुई है अभी, आज सेकंड क्लास है। ज्वाइन करिएगा, मजा आएगा पढ़ने में, दिन में 2 बजे क्लास होगी। ठीक है, ना सिर्फ मेरा ही कोर्स मिलेगा आपको SSC के अंदर, अगर आप SSC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। साथ में अगर आपने अभी तक 3 मंथ चैलेंज ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर करिएगा, क्योंकि डेली सुबह 11 बजे और 12 बजे लाइव क्लास होती है, फ्री होती है स्पेशल सेशन पे, मजा आ जाएगा आपको ज्वाइन करके दोस्तों। ठीक है, ये मेरा शेड्यूल होता है वहां पे दोस्तों 11 बजे और 12 बजे का, जो हम पढ़ते हैं ना उसी का हम लोग अगली बार फिर टेस्ट करते हैं। तो आज दोस्तों हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं मैं, आज 4th लेक्चर होगा मेरे ख्याल से हिस्ट्री का, ज्वाइन करेगा बहुत मजा आएगा सच में। कैसे ज्वाइन करना है ये भी बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद में इसे ओपन करिएगा और फिर स्टार्ट होता है। ठीक है गाइस, ओपन करने के बाद में SSC में जाए और यहाँ पे दिनेश शर्मा जो है वो सर्च करें। ठीक है म्यूजिक से काफी मजा आता है आप लोगों को, सही है यार। उसके बाद ना आप इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं ओपन करने के बाद, और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको सारी स्पेशल क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी स्पेशल क्लासेस है मतलब, और ये सारी क्लासेस फ्री है आपको। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो है 10-10 बच्चों को अपने ग्रुप में जो है शेयर किया करो सभी को, ताकि औरों को भी बेनिफिट है जो कि हो सके। ठीक है, आप इस तरीके से ओपन करिएगा और इस तरीके से क्लासेस है जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, ये मेरा शेड्यूल है दोस्तों 5, 6 और 8 बजे, आज सुबह 6 बजे वाली मैंने क्लास करवा दी है, ये 3 यूट्यूब पे, फिर ये 2 स्पेशल के ऊपर, और फिर ये 2 जो है आपके अनअकैडमी के प्लस के ऊपर, आज फिजिक्स की भी है। ओके, चलिए आज का देखते हैं कोट ऑफ द डे जो कि इशू के द्वारा भेजा गया है और काफी अच्छा दोस्तों कोट है। परिवार के साथ धैर्य दोस्तों प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य को आस्था कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक पेशेंस की डेफिनेशन है जो कि दी गई है हर जगह पे अलग अलग, और ये बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने साथ में दोस्तों धैर्य रखते हो, पेशेंस रखते हो अपने रिजल्ट को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, तो उसी को हम लोग कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर आप ऊपर वाले पे यकीन रखते हो, अगर आप पेशेंस रखते हो कि आज नहीं तो कल जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, करियर जो है वो बन जाएगा, वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा, और आज भी आपका अच्छा वक्त ही है दोस्तों, तो इसी को हम लोग आस्था का नाम बोलते हैं। और साथ में औरों के साथ अगर आप पेशेंसली साथ बात में पेशेंट के साथ में बात कर रहे हो, है ना, उनको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो दोस्तों इसे ही हम सम्मान कहते हैं।
ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे लाइफ के अंदर। दोस्तों अगर पेशेंस नहीं है तो चाहे आपके पास में कितना ही टैलेंट हो, आप कभी भी वो नहीं पा पाएंगे जो कि आप पाना चाहते हैं। और भले आपके पास में टैलेंट कम हो, अगर आपकी परसेंटेज कम आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास में पेशेंस है, धैर्य है, तो यकीन मानिए कि आप दोस्तों लाइफ में आगे जरूर बढ़ेंगे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो कभी भी जल्दबाजी में मत रहा करो, पेशेंस रखो, मेहनत करो, सब बढ़िया होगा और खुश रहो, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संडे की न्यूज़पेपर की, क्योंकि दोस्तों हमें आज मंडे है, तो संडे और मंडे दो दिन का न्यूज़पेपर हमें कवर करना है। संडे को एज यूजुअल ज्यादा न्यूज़ नहीं आती है, लेकिन जो भी है डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि पेंडेमिक को लेकर सबसे पहले खबर है कि उत्तराखंड के अंदर दोस्तों काफी सारे जो पिलग्रिमेज इंडस्ट्री जो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपको मालूम है ना, हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, है ना, और भी बहुत जगह उत्तराखंड के अंदर दोस्तों जहाँ पे काफी धार्मिक लोग हैं जो कि आया करते थे वहां पे पूजा पाठ के लिए, लेकिन वो पूरी इंडस्ट्री क्या हो गई है दोस्तों, अभी खत्म सी हो गई है, तो काफी प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कांग्रेस के रिबेलियन को बुलाया गया है वापस से, फ्लोर टेस्ट भी यहाँ पे हो सकता है। दिल्ली के अंदर 1 लाख केस है जो कि दोस्तों रिकवर हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है वैसे कि 1,22,000 के आसपास केसेस आई गेस, जिसमें से 1 लाख के आसपास लोग दिल्ली में रिकवर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार एक्सरसाइज के अंदर, मालाबार आपको मालूम है इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में होती है, ठीक है, 1992 से बहुत पुराने से हो रही है। तो अभी इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को भी एड ऑन करने की बात करी गई थी, लेकिन अभी इसके ऊपर भारत मल कर रहा है। मल का मतलब होता है सोचना, तो अभी गवर्नमेंट सोच रही है, अभी इसके ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है। साथ में दोस्तों दिल्ली और आपको मालूम है ना, वकीलों और पुलिस वालों के बीच में लड़ाई हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से कूटा था, मारा था, आपको मालूम है ना, थाने में घुस गए थे ये, कोर्ट में घुस गए थे। तो उसको लेकर दोस्तों यहाँ पे एलजी ने सीएम को 1 वीक का टाइम दिया है डिसाइड करने को। ये वाली न्यूज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि एक एप्लीकेशन को लेकर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम बात करने वाले कर्मा ऐप को लेकर। ये क्या है दोस्तों, देखो बात ऐसी होती है कि भाई 23 मई जो है ना, 23 मई को क्या आता है, वर्ल्ड टर्टल डे है जो कि आता है, वर्ल्ड टर्टल डे। और दुनिया में दोस्तों जो टर्टल होते हैं, जो कछुए होते हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी होता है, समझ गए। तो जो कई सारी कंजर्वेशन एजेंसीज है, उन्होंने एक सिटीजन साइंस इनिशिएटिव लॉन्च किया था, एक मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम यहाँ पे दोस्तों कर्मा रखा गया था, टर्टल के कंजर्वेशन को लेकर। इसको दोस्तों इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, जिसको ITCAN कहा जाता है, उन्होंने दोस्तों टर्टल सर्वाइवल अलायंस है उसके साथ में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ में मिलकर दोस्तों इसको लॉन्च किया था। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी कछुआ अगर कहीं प्रॉब्लम में है, कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए, तो ऐप के माध्यम से आप उसको रिहैबिलिटेशन, आपके शहर में, घर के आसपास कोई ना कोई सेंटर होगा, वहां पे आप पहुंचा सकते हैं। डिजिटल डेटाबेस भी बनाया जा रहा है ना, 29 स्पीशीज जो है दोस्तों, जिसमें फ्रेश वाटर टर्टल होते हैं, है ना, जो भी टॉर्टाइज भी होते हैं इंडिया के अंदर बहुत सारे, तो उनके कंजर्वेशन को लेकर दोस्तों काम किया गया है। ओके गाइज, देश में दोस्तों आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन हर वीक पता है कितने स्मगल किए जाते हैं, आपको पता है कितने टॉर्टोइज जो है और टर्टल, नियर बाय 200 टॉर्टोइज और टर्टल जो है वो हर वीक के अंदर क्या किए जाते हैं, ट्रैफिक किए जाते हैं, इनको स्मगलिंग करी जाती है। 2019 के अंदर दोस्तों ये रिपोर्ट आई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि नियर बाय हर साल 11,000, एक साल के अंदर 11,000 टर्टल और टॉर्टोइज का दोस्तों लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ा डेटा है, मतलब आप समझ सकते हो। और पिछले 10 सालों में 1 लाख से भी ज्यादा जो है वो टर्टल और जो है इनको पहुंच किया गया, स्मगल किया गया है। इसमें से सबसे जो मेजर चैलेंज होता है दोस्तों वो क्या होता है, फ्रेश वाटर टर्टल होता है। फ्रेश वाटर टर्टल के कंजर्वेशन को लेकर काफी काम करने की जरूरत है। एक्चुअली में हमारी जो एजेंसीज है ना, जो काम करती है, उनके पास में भी इक्विपमेंट नहीं है कि वो पता कर सके कि कौन सा स्पीशियस है, कितना कितना इसकी तादाद है। तो हम लोग ऑलरेडी साइंस में भी काफी पीछे हैं, तो ये भी एक कारण है कि हम इनको कंजर्वेशन को लेकर ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में दोस्तों जो साइट्स है ना, कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अंदर भी दोस्तों इसको स्टेटस है जो कि दिया हुआ है, अपेंडिक्स 1, 2 और 3, तीनों को जो है अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है, समझ गए मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोलकाता एयरपोर्ट से अगर आप बाहर निकलते हैं, वहां पे अगर किसी को टर्टल के जो दिखता है या उसको बचाना है, तो वहां पे पास में आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आसपास जो है कौन है जो कि इसको ध्यान रखने वाला है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा।
इस तरीके से ये ऐप है दोस्तों जो कि काम करती है। अब हमारे लिए यहाँ पे दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है ना वो साइट्स बन चुका है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि साइट्स की दोस्तों जो लिस्ट है ना उसके अंदर इसको स्टेटस है जो कि मिला हुआ है। अब दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, एनवायरमेंट का सवाल है साइट्स को लेकर, है ना, कि ये कब स्टार्ट हुआ, कहाँ हेडक्वार्टर है, क्या काम करता है, अपेंडिक्स वन क्या होता है, टू क्या होता है, थ्री क्या होता है। तो डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो भाई बात ऐसी है, एक बच्चा बोल रहा है टर्टल और टॉर्टाइस में क्या डिफरेंस है, भी बताता हूँ मैं, रीना कुमारी दोनों के बीच में अंतर के बारे में भी हम बात करेंगे। एक बार पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दो गाइज अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, ताकि बहुत सारे बच्चे और भी देख सके। एक बच्चा बोल रहा है कि सर टर्टल जो है टॉर्टाइस और टर्टल होते हैं इनके स्मगलिंग से क्या फायदा होता है। देखो बात ऐसी है कि इंटरनेट जो भी एनिमल होते हैं ना इंटरनेशनली इनसे बहुत सारी ऐसी मेडिसिन बनाई जाती है, उनको हाई रेट में बेचा जाता है, ओके, बहुत सारे ऐसे डोजेस बनाए जाते हैं जो कि सेक्सुअल पावर के अंदर भी काम आते हैं, है ना। तो इनको इंटरनेशनल मार्केट में इनको ट्रेड किया जाता है और फिर इनकी बॉडी के पार्ट, स्किन के पार्ट अलग अलग जगह पे काम में लिए जाते हैं और भी बहुत जगह पे इसके काम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो साइट्स को जो सबसे पहले कंसेप्ट आया 1963 के अंदर आया है ना, IUCN की मीटिंग थी वहां पे दोस्तों इसके कंसेप्ट के बारे में बताया। 1975 में ये फोर्स में आया, दुनिया के 183 मेंबर्स ने इसको साइन किया और बोला कि ठीक है हम ये सारे रेगुलेशंस को मानेंगे। जेनेवा में दोस्तों है, इसका हेडक्वार्टर है और यूनाइटेड नेशंस का जो UNEP है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वही इसको एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि करता है, ओके। उसी प्रकार से दोस्तों कन्वेंशन और पार्टीज में COP जो मीटिंग होती है ना वो इनकी मीटिंग होती है जहां पे डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं, जैसे कि 2017 का कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ, अभी लास्ट जो 2 साल से हो रहा है वो जेनेवा के अंदर हो रहा है इसकी मीटिंग, ओके गाइज। और साइट्स जो है वो लीगल बाइंडिंग होता है पार्टीज के ऊपर, जिन्होंने इसको साइन किया होता है ना उसको अपनाना जरूरी होता है, समझ गए मेरी बात, लेकिन ये नेशनल लॉ के तौर पे काम नहीं करते हैं, लेकिन इनको अपनाना जरूरी होता है जिन देशों ने साइन किया हुआ है। इंडिया ने इसको साइन दोस्तों किया हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 तरीके के अपेंडिक्स होते हैं। अपेंडिक्स 1 के अंदर क्या होता है, जो मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं ना प्लांट के और एनिमल के, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि गोरिल्ला हो गए, सी टर्टल हो गए, ऑर्किड हो गए, जाइंट पांडाज हो गए, नियर बाय 931 दोस्तों स्पीशीज इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसी स्पीशीज को दोस्तों इंटरनेशनली जो है पूरी तरीके से बैन होते हैं, इनको कभी भी आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, किसी को अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च के तौर पे करना है तो परमिशन ले सकता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ओके गाइज। चलिए सेकंड होता है अपेंडिक्स 2 दोस्तों, जिसके अंदर ऐसे स्पीशीज को इंक्लूड किया जाता है जो कि थ्रेटेंड है, यानी कि आज के टाइम पे उनको काफी ज्यादा मुश्किलें हैं, जैसे कि अमेरिकन गिनसेंग हो गया, लायंस हो गए, एलिगेटर्स हो गए, ओके, ऐसे नियर बाय 34,000 स्पीशीज है जो कि इसके अंदर लिस्टेड है, समझ गए मेरी बात। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एक्सपोर्ट के लिए परमिट लेना पड़ता है, ओके, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तीसरे की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर वो होते हैं जिसको आप रेगुलेट कर सकते हैं हम लोग, यानी कि अलाउ करते हैं ट्रेड के लिए, लेकिन वो रेगुलेशन के साथ होता है, ताकि कोई इल्लीगल दोस्तों उसके साथ में काम ना हो सके, जैसे कि मैप टर्टल हो गए, केप स्टैग बीटल्स हो गए, नियर बाय 150 स्पीशीज इसके अंदर शामिल है, ओके, इसके अंदर अलाउ यानी कि परमिशन लेकर सर्टिफिकेट लेके ही जाया जाता है, ओके। और इस लाइव सेशन का कितना ज्यादा फायदा है यहाँ पे आप देखिए कि एक अंशुल ने जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में पूछा और कोमल ने जो है वो जवाब दिया है कि वो खुद एक यूनिवर्सिटी में टीचर है हरियाणा में और उन्होंने बताया कि एग्जाम जो है अभी नहीं होंगे, मतलब अंशुल का जो भी सवाल था उसका जवाब दिया है। चलिए बहुत अच्छी बात है गाइस, इस तरीके से आप एक दूसरे को आंसर भी कर सकते हैं, है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों साइट के कंट्रीब्यूशन को देखकर लेकर देखते हैं कि आपको लगता होगा ना कि क्या यार ये दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन सच में काम करती है कि नहीं करती है। तो गाइस ऐसा नहीं है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो WHO या UN से जो भी अफिलेटेड होती है, साथ में काम करती है, दुनिया में बहुत काम करती है, बस आप लोगों तक इनके काम पहुंचते नहीं है क्योंकि मार्केटिंग इतनी होती नहीं है, समझ गए, लेकिन ये बहुत काम करते हैं। यहाँ पे देखिए साइट्स की बात करें तो दुनिया के 35,000 स्पीशीज प्लांट और एनिमल के दोस्तों ये लोग देखते हैं, समझ रहे हो, और दुनिया के 3% जो स्पीशीज को ये लोग कमर्शियली ट्रेड होने से रोकते हैं, 97% को लीगल तरीके से जो है अच्छे तरीके से कमर्शियल ट्रेड के लिए ये लोग जो है प्रॉपर तरीका अपनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 42 इयर्स के अंदर दोस्तों नियर बाय मतलब यहाँ पे 12 मिलियन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो है उनका डेटाबेस इन्होंने इकट्ठा किया है
प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेड करवाया है, समझ रहे हो। और इलीगल दोस्तों बिजनेस बहुत बड़ा होता है, आप देख सकते हैं 5 से लेकर 20 बिलियन डॉलर तक का पर ईयर तक का ये बिजनेस है। तो इसको रोकना, इलीगली चीज को प्रॉपर तरीके से काम करना, ये दोस्तों साइड से जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। गाइस चलिए आगे बात करते हैं। काफी सारे बच्चों के डाउट है कि टर्टल और टॉर्टाइज में क्या अंतर है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना, टर्टल जो होता है उसके कुछ इस तरीके से दोस्तों साइड में जो है ना फ्लिपर होते हैं इसका, दोस्तों ये जो ऊपर का पार्ट होता है वो फ्लैट होता है, ओके। और ये आपको सी के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, लेकिन टॉर्टोइज ऐसा नहीं करता है। टॉर्टोइज की जो बॉडी होती है दोस्तों वो राउंड होती है, समझ गए, और ये ज्यादातर आपको जमीन के ऊपर मिलता है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फूड है जो कि खाता है। तो ये फर्क होता है टर्टल और टॉर्टोइज के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टर्टल होता है वो अक्वाटिक और मरीन एनिमल है, मरीन है दोस्तों, ओके। और साइज भी दोस्तों उसको छोटा होता है, हार्ट शेप्ड या इसका एरिया ये देखिए हार्ट शेप्ड होता है इसका पार्ट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे जो टॉर्टोइज की बात करें दोस्तों, तो ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, लेकिन ज्यादातर आपको जमीन के ऊपर मिलेंगे, है ना, और ओवल शेप है यानी कि राउंड शेप है जो कि इनका बॉडी का देखने को मिलता है। और ये पूरी तरीके से हर्बीवोरस होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, समझ गए। तो ये आपको फर्क पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की। ट्विटर के आपको मालूम है दोस्तों बड़े बड़े अकाउंट है जो कि हैक हो गए थे, है ना, और उसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे ट्विटर ने जो है वो अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो डेफिनेटली हम सबको दुनिया को पता भी लगना चाहिए कि ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के अंदर इतनी बड़ी हैकिंग, जैसे कि आपको मालूम है बिल गेट्स हो गए, है ना, और साथ में एप्पल के हेड ऑफिशियल अकाउंट्स हो गए, साथ में एलन मस्क हो गए, इतने बड़े बड़े जॉय बिडेन हो गए, है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के अकाउंट कैसे हैक हो गए। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि हैकर ने क्या किया, मैनिपुलेट किया है एम्प्लॉयज को, और उनसे क्या किया है अकाउंट को एक्सेस करवाया है। मतलब एक्सेस करने के लिए पहले तो इन्होंने ये बोला है कि इनके पास में कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि इंटरनल सपोर्ट टीम काम करती है, नियर बाय 130 अकाउंट है। तो इन लोगों को मैनिपुलेट करके जो बेवकूफ बना के जो हैकर्स ने क्या किया है, इनसे डाटा लिया, और उसके बाद में उन्होंने हैक कर उन्होंने क्या किया, उस डाटा को यूज करके ट्विटर के ऊपर जो है पोस्ट डालना चालू किया, जिसके अंदर नियर बाय 1 लाख डॉलर जो है बिटकॉइन जो है वो एक ईमेल एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर हो गए थे, समझ गए, blockchain.com के ऊपर, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि मैनिपुलेट किया गया है कुछ एम्प्लॉयज को एक्सेस अकाउंट करने के लिए, हाई प्रोफाइल अटैक करने के लिए सोशल मीडिया कंपनी के ऊपर। जैक डॉर्सी आपको मालूम है दोस्तों जो कि ट्विटर के हेड है, ओके, और मतलब आपको मालूम नहीं होगा जैक डॉर्सी वो पर्सन है जो कि इंडिया में आके मतलब काफी बार जो है विपासना जो मेडिटेशन टेक्निक है ना उसके स्ट्रिक्ट फॉलोवर है, मतलब काफी ज्यादा फॉलो करते हैं मतलब, ठीक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी दोस्तों इसको लेकर जारी जो है पूरी जानकारी दी गई है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 14 को लेकर। दोस्तों पेज नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एक न्यूज वो देख लेते हैं मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक इंडियन मैथमेटिशियन की न्यूज थी यहाँ पे, एक तो हैमिल्टन की है, नहीं हैमिल्टन की तो नहीं है, यहाँ पे एक मैथमेटिशियन की न्यूज है, ओके, जो कि है दोस्तों हमारे एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है जिनका नाम है CS शेषाद्री, उनकी अभी मृत्यु हो गई है दोस्तों, 88 की एज में। जबरदस्त इंडियन मैथमेटिशियन है जो कि दोस्तों माने जाते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर काफी कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि इनका रहा है दोस्तों। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ना, फंडामेंटल रिसर्च, वहां पे दोस्तों इन्होंने काम स्टार्ट किया था, और वहां से दोस्तों ये ग्रेजुएट हुए थे। उसके बाद में दोस्तों फ्रेंच मैथमेटिशियन के साथ में मिलकर इन्होंने काफी काम किया, है ना, इंस्पायर थे दोस्तों डेविड मॉफोर्ड करके थे, उनसे दोस्तों काफी इंस्पायर थे ये, और उसके बाद में इन्होंने काफी काम किया ज्योमेट्री के अंदर और भी स्टैंडर्ड मोनोमाइल्स के ऊपर, है ना, ऐसे काफी सारे काम किए हैं, ओके। इन्होंने कॉन्स्टेंट भी बनाया था, शेषाद्री कॉन्स्टेंट नाम से कॉन्स्टेंट भी जो है इन्होंने डेवलप किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के अंदर इन्होंने काम करना स्टार्ट किया 1984 के अंदर। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट किया 1989 के अंदर, जिसके अंदर ठीक है चेन्नई के अंदर ये पढ़ाया करते थे। पद्म भूषण अवार्ड से 2009 के अंदर इनको सम्मानित किया गया, ठीक है गाइस, आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये पर्सन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिशियन है जो कि हमने खोए हैं। नेक्स्ट है पेज, आज बात करते हैं दोस्तों द हिंदू के आज के मंडे की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले दोस्तों स्कूल के रीओपनिंग को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि कब कौन ओपन करेगा, कब कैसे ओपन करना है। यहाँ पे दोस्तों राजस्थान और वही वाला मुद्दा है ना, पॉलिटिकल इशू है। यहाँ पे दोस्तों वायरल ट्रैकर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली के अंदर काफी बारिश हुई है। अभी दोस्तों जो हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है वो है आसाम के बाढ़,
आपको मालूम है दोस्तों, आसाम के अंदर काफी लोगों की मृत्यु हो गई है, काफी बड़ी ट्रेजेडी है जो कि हमको देखने को मिली है। राइनोज जो है वो रोडों पे आ गए हैं ना। ये देखिए यहाँ पे दोस्तों, राइनोज को, एक राइनो को बचाया गया, इनको मैं काफी कम देखता है, तो ये रोड के ऊपर आ गया था। काफी मुश्किलों से, बाढ़ से जूझता जूझता जो है वो रोड तक पहुंचा था। 3 दिन के बाद ये अपनी जगह से हिला है। लोगों ने फिर यहाँ पे जो है फूड जो है अवेलेबल करवाया है ना, इसको जो है मल्टी विटामिन और मल्टी है ना वो सब खाना अवेलेबल करवाया। उसके बाद दोस्तों इसको जू के अंदर ले जाके इसका ध्यान रखा जा रहा है ना। तो आसाम दोस्तों अभी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे देश के लिए कोरोना के बाद में। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमारे मीडिया जो है वो पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है, बात चल नहीं रही है। अमिताभ बच्चन के पीछे पड़े, अमिताभ बच्चन के पलंग के नीचे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब जबकि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आसाम के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई है, ब्रह्मपुत्रा का लेवल जो बढ़ गया है, उसको हम लोग टैकल करें, लोगों को जो है सही तरीके से रेस्क्यू करें, काम करें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अभी मतलब हमारे देश के लिए। और यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि कुछ लोग स्मगलिंग कर रहे थे, कैटल स्मगलिंग बताया गया, ऐसा बांग्लादेश से थे, तो आसाम के अंदर उनकी लिंचिंग कर दी गई। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले जो है हम बात करेंगे स्कूल के ओपनिंग को लेकर। अभी दोस्तों क्या हुआ, एचआरडी मंत्री जो है उन्होंने सारे राज्यों से जो है डिस्कशन किया स्कूल के रीओपन करने को लेकर। सारे राज्यों ने बोला हमें नहीं पता हम कब ओपन करेंगे। ज्यादातर राज्य देख सकते हो आप, कोई भी डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। ये सारी यूनियन टेरिटरी और राज्य है जिन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। सितंबर में ओपन करने के लिए बात कर रहे हैं लद्दाख, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। अगस्त में स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, बिहार, चंडीगढ़। और जुलाई के एंड तक में आसाम बोल रहा है कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ स्कूल को। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसा बोला गया है कि आप लोग पहले एक बार पेरेंट्स जो है उनसे भी राय मशवरा करें, ओके, और उसके बाद में स्कूल को रीओपन करने को लेकर बोला जा रहा है। समझ गया, नियर बाय नियर बाय। आपको मालूम है 25 करोड़ स्टूडेंट है हमारे देश में जो कि अभी घर पे बैठे हुए हैं, सबके पास में ऑनलाइन पढ़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए वायरल ट्रैकर की बात करें तो कल दोस्तों 38,000 केसेस हमारे देश में दोस्तों देखने को मिले। ओके, फर्टेलिटी रेट दोस्तों अभी 2.46 है। ये अच्छी बात है कि अभी काफी कम है, लेस देन 3 है ना। और ये पूरा का पूरा डाटा बताया गया है। और पूरे दुनिया में बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं 14 मिलियन केसेस नंबर वन पे, 3 मिलियन यूएसए, 2 मिलियन के साथ ब्राजील और 1 मिलियन के साथ इंडिया। तो इंडिया में दोस्तों हमारे यहाँ पे भी 26,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। ओके, और अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पे हम इस योजना के बारे में बात करेंगे। अखबार में ऐड आई है इस योजना के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हरेली फेस्टिवल जो कि छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक गोधन न्याय योजना है जो कि स्टार्ट करी गई है। जो भी दोस्तों लाइव स्टॉक के ओनर्स है ना, उनको नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। काउ का जो डंग होता है ना, जो गोबर होता है गोधन, तो उसको 2 रुपए पर केजी के तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो खरीदेगी है ना, उससे वर्मी कंपोस्ट बनाएगी, इको फ्रेंडली आइटम्स है जो कि बनाएगी। फिर उसको 8 रुपए पर केजी के ऊपर दोस्तों है ना जो है वो फार्मर्स को देगी, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बोला गया है। ठीक है गाइस, तो यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए योजना लॉन्च करी गई है, गोधन न्याय योजना, ध्यान रखिएगा। पेज नंबर 7 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो डाटा बताया गया है दोस्तों आज, वो बताया गया है किसको लेकर, अपने वायरलेस कनेक्शन को लेकर। तो भाई देखो, हमारे देश ने ना फरवरी 2 के कंपेयर में मार्च में नियर बाय 30 लाख वायरलेस कनेक्शन जो है वो कम जो है वो देखने को मिला है। ओके, क्यों देखने को मिला है, कारण ये रहा कि भाई जो है एकदम से डिमांड पे आ गई थी, लेकिन लॉकडाउन हो गया था तो उसकी वजह से भी कनेक्शन ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो पाए। और अर्बन एरियाज के अंदर दोस्तों वायरलेस कनेक्शन जो है वो कम होते जा रहे हैं। वायरलेस कनेक्शन का मतलब आप मोबाइल फोन का जो कम्युनिकेशन, वायरलेस वाले जो मोबाइल्स होते हैं ना उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो तब यहाँ पे अर्बन एरियाज में इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, अर्बन में कम हो रहा है। और तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर दोस्तों काफी बड़ा ड्रॉप है जो कि देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया की हालत खराब है, नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ। भारतीय एयरटेल का भी नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन दोस्तों जियो जो है वो आसमान की तरफ जा रहा है, समझ लो। लॉसेस की बात करें तो ये देखिए आइडिया और वोडाफोन और एयरटेल को बहुत ज्यादा लॉसेस हुआ है ना, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों पैसा देने के लिए बोला था इनको। आपको मालूम है 75,000 करोड़ के आसपास का कुछ अमाउंट था एडीआर के तहत। जियो का दोस्तों लॉसेस जो है वो काफी कम हो गए और काफी इन्वेस्टमेंट भी रेज कर लिया है। एक बच्चा बोल रहा है सर बिटकॉइन क्या होता है, तो उसके ऊपर मैंने 2-3 साल पहले वीडियो बनाया था, बिटकॉइन भुनेश लिखिएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ओके,
ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कि एलएससी के ऊपर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी एलएससी का जो डिस्कशन है वापस से बंद हो गया है। तो भाई अभी एलएससी की बात करें तो चाइना ने दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे पॉलिसी जो है उसके अंदर जो है पलटी मारी है। 1960 के अंदर जो एरिया ही क्लेम किया करता था ना, अभी उसने उससे पलटी मार ली है, समझ रहे हो। रिकॉर्ड जो 1960 के बाउंड्री के है ना, जो पाकिस्तान लिबरेशन आर्मी बोलती थी कि यहाँ तक का एरिया जो है वो उन लोगों का है, समझ गए। गलवान वैली है, देखिए आप यहाँ पे गलवान वैली है, यहाँ तक का एरिया वो बताती थी। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है ना दोस्तों, जहां पे चाइना ने कब्जा करा हुआ है वो यहाँ तक करा हुआ है। तो चाइना अपनी ही बात से दोस्तों पलटी है जो कि मार चुका है, क्योंकि ये 15 जुलाई को जो लड़ाई हुई थी वो यहीं पे हुई थी, समझ रहे हो। तो ये वाला एरिया है ना वहां तक का दोस्तों चाइना ने करंटली क्लेम कर लिया है। ये तो गलवान वैली का हाल है। और अगर मैं पेंगोंग की बात करें तो पहले दोस्तों चाइना जो है वो यहां तक क्लेम किया करता था 1960 तक, लेकिन अभी प्रेजेंटली दोस्तों फिंगर फोर तक जो है वो क्लेम कर रहा है, प्रेजेंटली इस जगह पे आ चुका है, समझ रहे हो। दोनों के बीच में 8 किलोमीटर का अंतर है। तो ये यहाँ पे बताया गया, क्योंकि अभी भी इसने दोनों ही जगहों से अपनी सेना को विड्रॉ नहीं किया है। तो अपने ही दोस्तों बात के ऊपर क्या हो गया, ये इसने पलटी है जो कि मार ली है। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि हम यहाँ पे बात करेंगे लुइस हैमिल्टन को लेकर। तो दोस्तों हैमिल्टन 8वीं बार दोस्तों हंगरी ग्रैंड प्रिक्स है जो कि जीत रहे हैं, और ऐसा करने वाले दुनिया में सेकंड प्लेयर है। इससे पहले शूमाकर जो है ना, उन्होंने दोस्तों ऐसा किया था, ठीक है गाइस, जिन्होंने 8 बार, कौन से 8 बार जो है इस टूर्नामेंट को जीता था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, हंगरी चैंपियनशिप हुई थी जहां पे हैमिल्टन जीत गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्राइवेट ट्रेन जो है वो मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा रेलवे मंत्री ने न्यूज 18 के अंदर रिपोर्ट है जो कि आई है। तो आपको मालूम है दोस्तों कि अभी कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी है ना, जिसमें बोला गया था कि भाई 2024 तक प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट होगी। तो पीयूष गोयल ने बोला है कि नहीं, हम 2023 में इसको स्टार्ट है जो कि कर देंगे। आपको मालूम है 2015 में विवेक देबरॉय कमिटी है जो कि बनाई गई थी, जिसने बोला था है ना कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है, ओके, और बाकी सब चीजों को लेकर। तो उन्हीं के रिकमेंडेशन में दोस्तों ऐसा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर जी ने दोस्तों याद किया अपने फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। आपको मालूम है दोस्तों, ओके, मंगल पांडे जी दोस्तों वो आदमी थे जिनका जन्म हुआ 19 जुलाई 1827 के अंदर बालिया के अंदर, बंगाल आर्मी ज्वाइन करी 1949 के अंदर, ओके। इसके अलावा मार्च 1987 के अंदर, 1857 के अंदर जो है पांडे एक प्राइवेट सोल्जर थे 5वीं कंपनी के अंदर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है दोस्तों वो क्या करते हैं, अपने साथियों को जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर के साथ में लड़ने के लिए बोलते हैं। दो ऑफिसर को दोस्तों अटैक किया जाता है, इसी वजह से मंगल पांडे जी को और बाकी को लोगों को जो है मंगल पांडे जी को पकड़ लिया गया था और बाद में फांसी दे दी गई थी। 18 अप्रैल को दोस्तों इन्होंने डेट रखी थी, लेकिन इतना ज्यादा डर था इन्होंने 8 अप्रैल को दोस्तों फांसी है जो कि दे दी थी। उसी के बाद जो एनफील्ड राइफल के जो प्रॉब्लम थी है ना, गाय और सुअर के मीट वाली, वो पूरे देश के अंदर दोस्तों फैल चुकी थी। और यही प्रॉब्लम जो है, यही मुद्दा जो है वो मंगल पांडे जी ने भी उठाया था। और ठीक है, और उसके बाद में जब इनके मृत्यु होती है उसके बाद में काफी बड़ा रिबेलियन होता है दोस्तों, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जिसको दोस्तों आज भी हम लोग याद करते हैं। और वो हमारे देश के कई सारे भगत सिंह से लेकर है ना, अपने राजगुरु सुखदेव, अपने चंद्रशेखर आजाद, काफी लोग थे जो कि इंस्पायर हुए थे 1857 रिवोल्यूशन से, ठीक है, ये जो अपना रिबेलियन हुआ था ना इस चीज को लेकर। और हमारे फर्स्ट युद्ध वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के हीरो जो है वो मंगल पांडे जी को माना जाता है। अगर आपने मंगल पांडे मूवी नहीं देखी ना तो देखना यार, वैसे काफी अच्छी मूवी है, हंसल मेहता की मूवी है, आमिर खान ने रोल किया था, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, मतलब जो कि बनाई थी, फील आ जाएगा मतलब आपको यार। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है जो कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने बनाई है। हंसल मेहता, केतन मेहता की थी, हंसल मेहता की नहीं थी, सॉरी, केतन मेहता दोस्तों बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है। आमिर खान की पहली पिक्चर भी केतन मेहता ने थी, होली नाम की आमिर खान की पहली पिक्चर थी एक, वो भी केतन मेहता के द्वारा ही बनाई गई थी। तो काफी अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, रंग रसिया बहुत अच्छी डायरेक्टेड मूवी है ना, देखिएगा बहुत अच्छी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमने बात करें तो दोस्तों यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इनको याद किया गया। ओके गाइज, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सीबीएसई ने दोस्तों टाइप किया है आईबीएम के साथ में, ताकि इंटीग्रेट कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करिकुलम के अंदर। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों जो कि किया गया है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने क्या है
अपने जो कोर्स है ना 11th 12th के अंदर, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड करने के लिए आईबीएम के साथ में कोलैबोरेशन किया है। काफी अच्छी बात है। देखो स्कूल के अंदर जितना अच्छा सिलेबस, मॉडर्न सिलेबस पढ़ाया जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, है ना। तो 200 स्कूल के अंदर दोस्तों इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जो है बैरी जार्मन, उनकी मृत्यु हो गई है दोस्तों। काफी जबरदस्त प्लेयर माने जाते थे, ओके। और ठीक है, तो ये फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर माने जाते थे, मतलब है ना, मतलब काफी जबरदस्त प्लेयर माने जाते थे। तो उनकी अभी दोस्तों मृत्यु हो गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो कि है 75 साल हो चुके हैं दोस्तों ट्रिनिटी के एटम बॉम्ब के टेस्टिंग को, जिसने पूरी दुनिया जो है वो बदल दी दोस्तों। आपको मालूम है दोस्तों, अमेरिका ने जो न्यूक्लियर बम बनाए थे ना, उसके बाद पूरी दुनिया का सिनेरियो बदल गया है। हालांकि दोस्तों न्यूक्लियर बम होने की वजह से जो है, आपको मालूम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में शांति भी हो गई है पूरी दुनिया में, क्योंकि सभी को मालूम है कि सबके बड़े बड़े देशों के पास एटम बम है, अगर लड़ाई हो गई तो क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके वजह से शांति भी बनी हुई है और इसके वजह से नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, आपको मालूम है, जापान के अंदर, है ना, जहाँ पे लाखों लोग नियर बाय दोनों को बम को मिला के 4-5 लाख लोगों को मारा गया था। 16 जुलाई को 75वीं एनिवर्सरी दोस्तों पहला डिटोनेशन जो एटम बम का हुआ था उसकी मानी जाती है। इसका नाम है ऑपरेशन ट्रिनिटी दोस्तों, जो कि मैनहट्टन के प्रोजेक्ट के तहत किया गया था, ओके, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दोस्तों टाइम पे। और फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के दोस्तों दो जो है न्यूक्लियर बम जो है वो गिराए गए थे, पूरी सिटी दबा हो गई थी। और आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों कि ये जो बम गिराए गए थे ना, इससे 100 टाइम ज्यादा पावरफुल बम है जो कि आज के टाइम पे बन चुके हैं, समझ गए, ठीक है, आज के टाइम पे बन चुके हैं। तो सोचिए अगर उस जमाने में एक पूरी सिटी का इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गई, तो आज के टाइम पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। तो ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था ना दोस्तों, वो न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए ही दोस्तों किया गया था, और जर्मनी, जापान, इटली, इन सबसे ऊपर निकल गया था अमेरिका, ओके। इसको सुपर बम को जो डिजाइन किया गया था, ये जो कंसेप्ट जो बनाया गया था टीम ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा, उसको हेड कर रहे थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर दोस्तों एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, जिनको जो है फादर ऑफ एटम बॉम्ब के तौर पे भी जाना जाता है, समझ रहे हो, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर, और ओपेनहाइमर को ही फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के तौर पे जाना जाता है, ओके गाइज, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश में दोस्तों, आपको मालूम है पोखरण जो है, शक्ति और पोखरण, ये शक्ति जो है ऑपरेशन करे गए थे, ताकि हमने एक तो शक्ति था और एक स्माइलिंग बुद्धा था, है ना। तो ये हमने दोस्तों क्या किए थे, 1974 के अंदर हमने पहली बार हमारे न्यूक्लियर टेस्टिंग है जो कि हमने करी थी, ओके गाइज। ये देखिए दुनिया के अंदर अगर मैं न्यूक्लियर बम की बात करूं दोस्तों, एटम बम की बात करूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया के 90% जो है ना वो किसके पास, रशिया और अमेरिका के पास में। ये देखिए रशिया के पास 6,000, यूएसए के पास भी नियर बाय 6,000, फिर फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान और इंडिया, इस तरीके से नंबर है। दुनिया में नियर बाय 14,000 के आसपास न्यूक्लियर वेपन है दोस्तों, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, पीएम मोदी जो है, मोदी जी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को अवार्ड देंगे उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। तो दोस्तों क्या हुआ था कि पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो भी कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा किसी सिटी में, है ना, उनको अवार्ड दिया जाएगा 4 पैरामीटर्स के ऊपर, 4 कैटेगरीज में। डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रोग्राम, इनोवेशन जनरल कैटेगरी, इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और नमामि गंगे प्रोग्राम, समझ रहे हो ये, ठीक है गाइस। और ये अवार्ड जो कैटेगरी है ना वो आपके नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत भी एक आदमी, एक जो है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जाएगा जो कि अच्छा काम करेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, न्यू स्टडी कैन हेल्प इम्प्रूव अर्थक्वेक प्रिडिक्शन। तो अर्थक्वेक की जो आने की जो प्रिडिक्शन है ना, उसको नई स्टडीज है जो कि इम्प्रूव कर रही है। आपको मालूम है अर्थक्वेक आता है तो लोग भाग नहीं पाते, अगर हमें पहले पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आने वाला है तो काफी लोगों की जान है जो कि बच जाएगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके का रिसर्च है जो कि दोस्तों किया जा रहा है, ओके गाइस। और है ना, फाइलोसिलिकेट्स एक मिनरल्स है जो कि थिन प्लेट्स के अंदर होते हैं, वीकेस्ट पार्ट होते हैं दोस्तों हमारे अर्थक्वेक के फॉल्ट के। तो उसको एनालिसिस किया जा रहा है कि अगर वो हिलेगा तो हम पहले से पता कर ले। आपको मालूम है दोस्तों हमारी तरीके हमारे जो अर्थक्वेक निकलता है आता है ना, तो दो तरीके के एपिसेंटर, तो वो पॉइंट होता है जहां पे निकलता है, जिसके नीचे फोकस पॉइंट होता है जहां से शुरुआत होती है, उसके आगे आगे जाके दोस्तों अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है वो कम होता रहता है। यहाँ पे पी वेव और एस वेव के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है, समझ रहे हो। पी वेव होता है प्राइमरी वेव और एस वेव होता है सेकेंडरी वेव्स, ओके गाइस। आप देखिए प्राइमरी वेव्स क्या होता है, ये फर्स्ट वेव होती है जो कि हमारे सिस्मोग्राफ जो है वो मेजर करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है ना, जैसे कि साउंड वेव्स हो गई, उन्हीं की तरह दोस्तों ये काम करती है। उसी प्रकार से एस वेव होती है,
ओके, जो कि सेकेंडरी वेव्स होती है और ये राइट एंगल के ऊपर वाइब्रेशन करती है, जैसे कि लाइट वेव्स हो गई और वाटर वेव्स हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये पी वेव्स है और ये आपकी एस वेव्स है। पेपर में डायरेक्टली सवाल है जो कि इसका बनता है ना। ये देखिए, दोनों तरीके की जो वेव्स है वो हम अर्थक्वेक के सेंटर के वहां पर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओनली पी वेव ही है जो कि अदर साइड ऑफ द अर्थ के ऊपर भी पता कर सकते हैं। देखो, आपको ध्यान रखना है, जो पी वेव है ना वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रैवल करती है, लेकिन जो एस वेव है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती है। तो यानी कि लिक्विड वाले पार्ट पे आती है, वो खत्म हो जाती है ना। और हम मेजर कैसे करते हैं दोस्तों, जो है वो रिएक्टर स्केल से करते हैं, जो कि 0 से 10 के बीच में होता है। एक नंबर भी बढ़ने का मतलब है 10 गुना ज्यादा एनर्जी बढ़ना। ओके, और हम जो नुकसान होता है ना उसको हम लोग मार्शली स्केल से जो है वो मेजर करते हैं, जो कि 1 से 12 के बीच में होती है। ओके गाइज, इसके अलावा अगर आपको दोस्तों 3 मंथ चैलेंज ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में दे रखा है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 11 बजे और 12 बजे दोस्तों लाइव होती है क्लास, फ्री स्पेशल सेशन। एक बार ज्वाइन करके तो देखो, मजा आ जाएगा आपको ज्वाइन करने में। ठीक है, क्लासेस कहाँ मिलेगी? अनअकैडमी ऐप आपको डाउनलोड करके ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। ओपन करने के बाद सर्च करो यहाँ पे भुवनेश शर्मा, PHUNESH भुवनेश शर्मा सर्च करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रोफाइल मिलेगी। प्रोफाइल को ओपन करो और फॉलो कर लो, सभी बच्चों ने फॉलो कर रखा है ना, फॉलो करते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे भुवनेश डालोगे तो बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे। ये 70,000 वाला दोस्तों जो ग्रुप है ये मेरा ही है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच चल ही रहा है दोस्तों, आज दूसरी क्लास से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेना कैसे है, अगर अकेडमी पे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप रेफरल कोड वैसे भुवनेश10 है जो कि यहाँ पे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने SSC कर लिया, SSC पे गए, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन पे गए, फिर आपको दोस्तों 12 महीने का 500 रुपए पर मंथ आपने लिया, फिर रेफरल कोड के अंदर आपने BHUNESH भुवनेश10 डाल दिया दोस्तों, आपको हाथों हाथ 10% ऑफ है वो आपको मिल जाएगा और सभी सब्जेक्ट के सारी क्लासेस भी मिल जाएगी। ओके गाइज, आज के महत्वपूर्ण सवाल है, रेल मंत्रालय के अनुसार निजी गाड़ियों के डैश में चलाने की उम्मीद है, बताइए भाई कब से चलाने के लिए बोला जा रहा है। मंगल पांडे ने अपने साथियों को वर्ष डैश में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उकसाने का आरोप लगाया। CBSE ने डैश के साथ में AI को लेकर जो है वो साझेदारी करी है। हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ओके गाइस, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। और इसके अलावा कोड स्माइल बुद्धा के बारे में आपको बताना है, कौन से साल में आयोजित करवाया गया था। ओके गाइस, तो ये था महत्वपूर्ण सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वापस मिलते हैं 11 बजे वाली क्लास में, धमाकेदार सेशन होगा हिस्ट्री का, मजा आ जाएगा, कभी जीवन में आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड बाय।